కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదిలాబాద్ పట్టణ వాసుల ప్రధాన సమస్య రైల్వే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం మర్చిపోయారని కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షులు షాజిద్ ఖాన్ అన్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని తాంసీ బస్ స్టాండ్ వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రైల్వే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం కోసం ధర్నా నిర్వహించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయాలకు నిధులు ఉన్నాయని, రైల్వే బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి నిధులు లేవని ఆరోపించారు. కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ గణేష్ రెడ్డి, యాసం నరసింహరావు, నగేష్ మునిగెల, నరసింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. आप हर आदमी के हर लीडर के हर पार्टी से एक ही जवाब कर रहा हूँ. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई आने वाला फ्यूचर देखो, तुम अभी मत सोचो, आने वाला फ्यूचर देखो. तो जब हम देखेंगे उनको, मैं समझदारी से हर पार्टी पार्टी का यहाँ मतलब नहीं है भाई, हमारी तकलीफ है. सुनेगी हम गरीब आदमी है, सुनेगी और लेबर आदमी है और डेली काम को जाने वाले हैं यहाँ पे. डिलीवरी भेज रहे हैं तो गेट गिर जा रहा है. तो अभी हमारा हाल कैसा करेंगे आप लोग? मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ. और आज तक आदिलाबाद के अंदर मेरी 45 साल की उम्र हो गई, 45 साल हो गए मेरे भाग्यनगर में, कि ऐसा कोई मर्द नहीं है कि और ब्रिज में बना के बता दूंगा. आज तक खाली मुजबानी आ रहे, बोल रहे यहाँ आ रहा है, झंडा पकड़ के आ रहा, झंडा पकड़ के चल जा रहा. बस टोट हो गया हमारा, बात खत्म हो गई. भाग्यनगर, टाटीगुड़ा, क्रांति नगर, कुर्जीत नगर, ये सब बैठ लेके चल जा रहे. आखिर कब तक हम बोलना चाह रहे भाई, आखिर कब तक? जिसने क्या आपको एक मेरी विनती है, आप भी अभी कुछ नहीं हुआ, अभी 3 साल बाकी है आने वाले पीरियड में, जो से ये सोच के चलना और कदम आगे बढ़ाना पटरी के पार. सुनेगी बच्चों को स्कूल को छोड़ने के लिए जब जा रहे हैं हम, गेट लग जाता, आ रहे हैं लग जाता. अच्छा चलो जल्दी में है, बच्चों को छोड़ेंगे कि नीचे से निकाले, तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले फोटो उतार लेके हमारा पैसा लेना भेजते रहते हैं. अब आपका हमका जीना नहीं जीना, हमारे को भेज देते नहीं देते, ट्रेन चल रही, पैसा आ रहा, इनकम हो रहा, सब हो रहा, फिर ये कहाँ जा रहा है? हमारे को गेट क्यों नहीं मिल रहा? हमारे को भेज लेट रहा, वो वोटिंग के टाइम में आ रहे, वोटर लेके फटाखे फोड़ने के लिए 2000 नाचे पूजे. अभी तक एक खंबा नहीं लगा ना, तो कोई छत्ती भी आगे और कुछ करा हुआ पे. हाँ और ये उल्टा ओवर लोड हो गए, ये डाल देंगे और ये और परेशान कर रहे. ये कैसा कब तक रहेगा हमारा? हम लोगों के साथ इंसाफ होगा नहीं होगा? गरीबों को जीने का हक है नहीं है? नहीं है बोले तो बोलो, यहाँ पे आके फांसी ले लेते. हम तुम्हारे माँ बाप है, बोल रहे वोटर ले ले रहे, जीत रहे चले जा रहे, जीत रहे नहीं. हाँ 2021 आएगा 2016 से. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट ये है, ये गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट हो, हमारे को मेहरबानी करके हमारे लिए ओवर ब्रिज बनाओ, या तो फिर डॉन में कोई एक, दो में से कोई एक ब्रिज बना के दो. बहुत